यूट्यूब चैनल तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो केक है बेंटो केक बनने वाला है, लेकिन 1 जून का ये मुझे केक का ऑर्डर आया था। काफ़ी क्यूट सा, और जैसी क्लाइंट ने मुझे पिक्चर दी थी सेम एज़ इट इज़ वैसे ही मैंने केक को बनाया। सिर्फ जो डिफरेंस था वो था कलर का। जो हमारा केक था वो सिंपल वाइट थीम पे था, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था क्लाइंट ने कि बस थोड़ा सा कोई भी अच्छा सा कलर लाइट सा कर देना, तो उसके हिसाब से मैंने सारी चीज़ें की हैं। और चॉकलेट केक हमारा बनने वाला, और साथ में ये जो बेंटो केक का साइज़ है ना, ये साइज़ तो सेम रहेगा लेकिन थोड़ा सा उन्हें टॉल में चाहिए था। तो बेंटो केक को अगर आप बना रहे हो छोटे साइज़ में लेकिन थोड़ा सा टॉल हाइट में, तो आपको किस तरीके से पैक करना है, क्योंकि जो बेंटो बॉक्स होता है वो तो छोटा होता है। तो अगर हाइट वाला बेंटो बॉक्स बना रहे हो तो किस तरीके से पैक करो, उसके लिए भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। वीडियो में शेयर किया है तो बिना स्किप के आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। बाकी केक को कैसे हम डीमोल्ड करते हो और कटिंग की, ये सारी चीज़ें आपने वीडियो में देखी। और जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं, आप प्लीज़ जाके पहले की भी वीडियो सारी चेक कीजिए। उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस जो है वो मैंने आप सबके साथ शेयर किया, वहाँ से जाके भी चेकआउट कर सकते हो। और होममेड प्रीमिक्स की रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की है, लेकिन मैं जिस दिन पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं लाइव आऊँ, तो लाइव आके आपको होममेड प्रीमिक्स और मार्केट वाले प्रीमिक्स दोनों के साथ मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो केक के जितनी भी सारी प्रॉब्लम आपको फेस कर रही है, तो वो सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। जो आप कहते हो कि चिपचिपापन हो जाता है, सेम प्रीमिक्स अगर हम यूज़ करते हैं डोम शेप हो जाती है, कटिंग में प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी चीज़ें, तो सारी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी लाइव आऊँ और आप सबके साथ शेयर करूँ। तो कोशिश मेरी पूरी है। और बाकी यहाँ पे वन बाय वन लेयरिंग करेंगे, कोई भी चोको चिप्स हमें यहाँ पे ऐड नहीं करने। सिंपल क्लाइंट की जो डिमांड थी 2% थे, बस सिर्फ 2 जन की ये गैदरिंग थी जो कपल्स थे, और दोनों को ही बस कट करना था पर्सनली। उनका जो भी सारी प्लानिंग थी अपनी एनिवर्सरी से लेके, तो उन्होंने कहा था कि हमें सिंपल सा केक चाहिए, बस 1x1 लेयरिंग करेंगे। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो बेंटो केक की इसलिए हाइट है क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 लेयर्स में इसे कट नहीं किया है, 4 लेयर्स में किया है, इसलिए क्योंकि क्लाइंट को थोड़ी सी हाइट चाहिए थी बेंटो केक में। तो अच्छे से हम इसकी अच्छे से कर लेंगे पूरी आइसिंग केक की। तो पूरी आइसिंग यहाँ पे हमने कर ली है लेयरिंग वाली, और बाकी जो यहाँ पे अच्छे से इसे हम कवर करेंगे क्रीम के साथ। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर ये छोटा केक भी अगर आपको अर्जेंट ऑर्डर आता है, तो इसको ना तो बेक होने में ज़्यादा टाइम लगता है, ना इसे ठंडा होने में टाइम लगता है, ना इसकी आइसिंग में टाइम लगता है। तो अगर आपको बेंटो केक से रिलेटेड कोई भी ऑर्डर आता है 1 घंटे में और सिंपल डिज़ाइन है, तो आराम से आप ऐसे डिज़ाइंस ले सकते हो और बना सकते हो। फिर भी आप हाथ में 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा मांगिए क्लाइंट से, ताकि सारी चीज़ों को अच्छे से करने में आपके पास टाइम रह जाए। और अगर आप केक जल्दी बनाते हो तो केक को अच्छे से सेट होने में टाइम लग जाए। बाकी कल वाली जो मैंने आप सबके साथ जो केक की वीडियो शेयर की थी, जो गनाश वाली मैंने बनाई थी जिसमें रसमलाई फ्लेवर था, और 2 मैंने बर्निंग वाले वेफर पेपर्स यूज़ किए थे, वो वाला क्लाइंट का मुझे आज रिव्यू आया था, जो बहुत ज़्यादा खुश थे। और जैसे उन्होंने प्लान किया था पूरे प्रपोजल थीम को लेके, उस तरीके से सारी चीज़ें उनकी जो है सक्सेसफुल हुई। तो जो प्रपोजल था जिनके लिए, सेम दिन उनका बर्थडे भी था, तो इसलिए उनके लिए एक सरप्राइज़ उन्होंने अरेंज किया था जो काफ़ी अच्छे से सक्सेसफुल हुआ। और मुझे भी खुशी हुई क्योंकि ये मेरा पहला ट्रेंडिंग केक था बर्निंग पेपर के ऊपर, तो मैं भी चाहती थी कि मुझे रिव्यू जो है क्लाइंट से अच्छा मिले। बाकी आप सबके आज की वीडियो के एंड में भी काफ़ी अच्छे अच्छे केक के डिज़ाइन है जो आगे मैं शेयर करने वाली हूँ, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। तो केक की आइसिंग हमने कर ली अच्छे से, और इसे हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पे बटर पेपर पे। तो आराम से बटर पेपर को मैंने साइज़ का कट कर लिया था, और पैलेट नाइफ के साथ इस तरीके से मैं शिफ्ट कर रही थी। गर्मी तो डेफिनेटली थी ही, लेकिन फिर भी इसे हमने इस तरीके से शिफ्ट किया, और अच्छे से जो बेंटो पेपर बॉक्स है उसमें हम इसे शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे शिफ्ट करते हुए मेरे हाथ से थोड़ा सा केक हो गया स्लिप, तो आप ध्यान से करिएगा, मेरे जैसे गलती मत करिएगा, पर कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम पेपर को थोड़ा बड़ा करके रखते हैं ताकि केक को अच्छे से मूव करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। केक मेरा ख़राब नहीं हुआ था, आराम से शिफ्ट हो गया था, कहीं से भी क्रीम कुछ भी ख़राब नहीं हुई थी, तो आप भी आराम से कीजिएगा। इसे हमने रख दिया यहाँ पे, और उसके बाद जो है इसकी डेकोरेशन करेंगे। तो डेकोरेशन करने के लिए जो है बाकी चीज़ें मैंने यहाँ पे बना ली थी, काफ़ी सिंपल थी। तो यहाँ पर थोड़ी देर मैंने इसे फ्रिज में रखा था, फ्रिज में रखने के बाद निकाल लिया था, और इस तरीके से सबसे छोटे वाले हर्ट कटर के साथ मैंने इस तरीके से हर्ट कट कर लिए थे रेड कलर के साथ। आप किसी भी कलर के साथ बना सकते हो। तो इस तरीके से हम पूरे केक पे अरेंज करेंगे। पहले हम इस तरीके से चारों साइड पे लगाएंगे, जैसे हम घड़ी की तरह बनाते हैं ना, ताकि कहीं पर भी कुछ भी अनइवन सा ना लगे ये जो भी हर्ट्स हम बना रहे। तो पहले मैंने ये चारों तरफ लगा दिया ताकि इसकी एक शेप एंड साइज़ जो भी है वो समझ में आ जाए।
आराम से सारे लाइन बाय लाइन लग जाए। उसके बाद ये जो चारों तरफ जितनी भी स्पेस खाली है ना, सब में एक एक करके इस तरीके से हम लगा देंगे, ताकि दोनों में गैप जो है वो भी अच्छे से रहे, कुछ भी हौच पौच ना हमारा, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा केक है जिसे एकदम सिंपल सोबर लुकिंग में चाहिए, और क्लाइंट को एकदम सिंपल सा केक चाहिए था इस तरीके से। तो यहाँ पे एक मैंने वाइट ऐसी स्ट्रिप काट ली जो फॉन्डेंट की, उसके ऊपर रेड कलर की एक स्ट्रिप लगा दी इस तरीके के साथ फॉन्डेंट की, और कैलेंडर का एक शेप दे दिया मैंने इसे। तो ये काफ़ी सिंपल है, आप सबको देख के समझ भी आ गया होगा, इसकी कुछ भी अलग से ट्यूटोरियल शेयर करने की मुझे लगता नहीं है कि कोई भी ज़रूरत है। और साथ में मैंने पाइपिंग बैग में डाल ली गनाश, तो ये मेरे पास चॉकलेट गनासी सामने से इसे मैंने इस तरीके से कर लिया कट, और अब जो डिज़ाइन है वो हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सिंपल गनाश को क्या किया ना, मैंने थोड़ा सा हाथ के साथ और अच्छे से मैश कर लिया, ताकि एकदम सॉफ्ट हो जाए वो, और आराम से पाइपिंग बैग से निकले। तो कोई भी मैंने यहाँ पे जो नोज़ल थी वो यूज़ नहीं की थी, इस तरीके से जो है आराम से इसे मैंने पाइपिंग बैग में डाला और बस इसे यूज़ करना था। और साथ में जो ये वाला हमारा केक है, ये सेल्फ पिकअप केक था, कोई भी डिलीवरी चार्जेस इसके इंक्लूडेड नहीं थे। और बाकी जो है जैसा जैसा डिज़ाइंस मैं यहाँ पे बनाऊँगी आपको दिखाते जाऊँगी। तो सबसे पहले ऊपर में मैंने जून लिख दिया, जून के बाद जो है यहाँ पे मैंने वन लिख दिया। जैसे मैंने यहाँ पे जून लिखा है और डेट लिखी है वन, आप चाहो तो यहाँ पे फॉन्डेंट के साथ भी कट करके फॉन्डेंट के साथ जून और नंबर वन का भी आराम से यहाँ पे कटआउट लगा सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे गनाश यूज़ की क्योंकि बाकी डेकोरेशन भी गनाश के साथ करनी थी, तो मैंने सोचा उसी के साथ करूँगी तो सारी चीज़ें एक जैसी अच्छी लगेंगी। तो इस तरीके से हम लाइन्स जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते जाएंगे, क्योंकि जैसा केक था मुझे क्लाइंट ने दिखाया पिक्चर में, हमें उसके हिसाब से सारी चीज़ों को कस्टमाइज़ करना था, तो ताकि अच्छे से गनाश जो है वो भी निकले, इसलिए मैंने इस तरीके से पूरा सर्कल उसे बना लिया और कंप्लीट कर लिया था। और यहाँ पे जो कैप्शन था वो मुझे लिखना था, जो था इट्स आवर डे। तो काफ़ी अच्छे से, जगह थोड़ी थी, सारी डेकोरेशन थी, सफाई के साथ हमें बनाना था सारी चीज़ें, तो यहाँ पे आराम से मैं इसे लिख रही थी, और इसलिए ही मैंने इसे हाथ के साथ थोड़ा सा और सॉफ्ट कर लिया था, ताकि मॉइस्चर के चलते ना हाथ से थोड़ा सॉफ्ट हो जाए गनाश, और अच्छे से जो है पाइपिंग बैग से ये निकले, ताकि हम जो भी चीज़ें यहाँ पे कैप्शन लिख रहे हैं वो आराम से हम यहाँ पे लिख पाएँ। तो बाकी जो है आपको केक से रिलेटेड जितनी मेजरमेंट है वो तो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप अपने हिसाब से साइज़ का जैसा भी चाहो चॉइस का आप बना सकते हो। बाकी जो डेकोरेशन मैं करती हूँ वो आप रिक्रिएट कर सकते हो किसी भी शेप एंड साइज़ पे, किसी भी केक पे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने लिख दिया, केक हमारा एकदम रेडी था। इसकी क्लोज़अप लुक आपको दिखाऊँगी प्राइस के साथ। तो ये देखिए, ये इसकी क्लोज़अप लुक है, और बहुत अच्छे से केक बना था। इसे मैंने फ्रिज में रख दिया कि थोड़ी देर और ठंडा हो जाए, लेकिन उससे पहले अगर आप देख रहे हो यहाँ पे एक और हमने ले लिया, ये बेंटो बॉक्स, क्योंकि साइज़ बड़ी थी, दूसरे साइड पे रखा, और इस तरीके से इसे हम कवर करेंगे, और साइड वाली जो कवर दिख रही है उसे हम क्लिंग रैप के साथ अच्छे से कवर कर लेंगे, ताकि फूड सेफ रहे, और ऊपर में हम अच्छे से इसे सेलो टेप या फिर स्टेपलर के साथ पिन कर देंगे। तो कभी भी अगर ऐसे बड़े केक अगर आपको आते हैं बेंटो केक टॉल साइज़ में, तो आप इस तरीके से इसे पैक कर सकते हो। बाकी इसकी ओवरऑल लुक है पूरी डेकोरेशन के साथ, सारी चीज़ों के साथ। जो केक का प्राइस था वो मैंने 250 लिया है, आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा भी है वैसा चार्ज कर सकते हो। इसे किसी भी कलर में आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो, बड़े केक पे भी ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए व्यूअर्स के केक देखते हैं। तो ये देखिए, ये मेरे व्यूअर्स के केक है जो काफ़ी अच्छे इन्होंने बनाए हैं। ये जो है पूजा जी ने केक के डिज़ाइंस जो है मुझे शेयर किए हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट आई है इनके डिज़ाइंस में पहले से ज़्यादा। और ऐसे अभी इतनी जल्दी प्रैक्टिस करने से, जितना आप लंबा समय दोगे सारे चीज़ों पे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, साथ ही आप ऐसे अच्छे अच्छे केक्स के डिज़ाइन जो है वो बनाओगे। ये सारे उनके डिज़ाइंस है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे, और मैं अगर किसी का नाम ना ले पाऊँ तो प्लीज़ आप सब माइंड मत कीजिएगा, जिनके जिनके डिज़ाइन है आप पहचान लीजिएगा, काफ़ी अच्छे अच्छे केक के डिज़ाइन बनाए हैं। और ये मेरे जो एकदम मेरे साथ कनेक्टेड हैं बहुत टाइम से, मेरे इंस्टाग्राम में भी, यूट्यूब में तो है ही सारे के सारे, आप लोगों फैमिली बड़ी होती जा रही है, और ऐसे ही बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए फैमिली, ताकि अच्छे अच्छे केक के डिज़ाइन आप सबके साथ शेयर करूँ मैं। तो ये उन्होंने बनाए थे, तो काफ़ी अच्छे, इनका नाम शायद श्वेता सोनी कुछ है, मुझे याद है। ये बहुत अच्छे डिज़ाइंस बनाती हैं, इनके सारे डिज़ाइंस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये हाउस होल्ड काम तो करती हैं, साथ में अपने टाइम को बचा के बहुत अच्छे अच्छे ऐसे केक्स की ऑर्डर लेती हैं, और बहुत अच्छे फिनिशिंग के साथ केक्स बनाती हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। आप सब इतनी इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, और आप जितने भी केक्स बना रहे हो सारे मेरे साथ शेयर कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, और मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है कि मैं
अपने चैनल में आप सबके केक के डिज़ाइन सबको दिखाती हूँ, ताकि जितने भी लोग देखते हैं ना, सब आप सब से भी इंस्पायर हो सकें, तो बहुत अच्छा लगता है। तो काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस आपने बनाए, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। मतलब इन्होंने तो बहुत ही सारे डिज़ाइंस आके भी शेयर किए थे और अब भी शेयर किए हैं, और इनमें से सबसे बेस्ट डिज़ाइंस जो है मुझे ये वाला लगा है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा है डिज़ाइन, ये मैंने भी सेव करके रखा है कि कभी मुझे ऑर्डर आया तो ऐसे रेफरेंस पिक्चर्स में मैं भी बनाऊँ साथ में। और ये जो डिज़ाइंस हैं ये कविता जी ने बनाए, मुझे इनका नाम याद है। इन्होंने फोंडेंट वर्क बहुत अच्छा किया है, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। ये थ्रेड वर्क का काम भी इन्हीं का है। साथ में एक और डिज़ाइन है यहाँ पे फोंडेंट वर्क वाला, ये वाला बहुत अच्छा है। साथ में इन्होंने एक सजेशन ली थी मुझसे केक पे, तो ये वो वाला केक है जहाँ पे इन्होंने एक केक पे दो थीम करनी थी, जो दोनों थीम बहुत अच्छी बहुत अमेजिंग बनी थी, और इनके फोंडेंट वर्क भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। तो ये देखिए बहुत क्लैरिटी के साथ इन्होंने बनाए हैं। तो यहाँ पर जो है, और ये एक और मेरी व्यूअर हैं, इनका नाम अंजलि है शायद, तो इन्होंने भी बहुत अच्छे ऐसे डिज़ाइंस बनाए हैं, मुझे आज ही शेयर किए। मैंने सोचा आज ही वीडियो को एडिट करती हूँ एट अ मोमेंट और आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे ये सारे डिज़ाइंस इनके हैं, लेकिन इस वाले केक में थोड़ी सी साइज़ की डिफरेंस है, आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये वाला डिज़ाइन अमेजिंग बना है, लास्ट बना है लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है। आई होप कि आज वाला केक डिज़ाइन आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं यूट्यूब के, आप सबको अगर उनका केक भी पसंद आया होगा तो ज़रूर बताइएगा, और सबको ऐसे ही अप्रिशिएट भी करिएगा क्योंकि सभी बहुत मेहनत करते हैं। बाकी एक दूसरे का सपोर्ट करते जाइएगा, वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।